हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके रिगार्डिंग हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जब इसके रिगार्डिंग लाइक पूछा गया था, गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी नोटिफिकेशन दी थी, बट अभी जो है इस पर फैसला आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है एंड यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी को जो है मिल चुका है अप्रूवल ऑनलाइन यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं उनको कराने के लिए। तो कम्प्लीट अपडेट वीडियो में हम जानने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकॉर्डिंग 38 यूनिवर्सिटी अब से ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम करवा सकेंगी, मतलब जो डिग्री हमें मिलती है वो ऑनलाइन मिलने वाली है, उसको मंजूरी मिल गई है और विस्तार से हम पढ़ने वाले। तो जैसे कि हमें पता है कि कोविड की वजह से यहाँ पर जो है स्टडी वगैरह में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहले यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्रूवल मिला, देन यहाँ पर डिग्री के लिए जो है लाइक जो है एक लेटर रखा गया, इनके सामने बात रखी गई कि क्यों ना हम कुछ डिग्रीज को एंड कुछ यूनिवर्सिटी को जो है जो यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से चाहती हैं वो अपनी जो डिग्री है वो ऑनलाइन करवा सकती हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अभी जो है इनको अप्रूवल मिल गया है एंड कंप्लीट अपडेट हम जानेंगे। तो UGC ने यहाँ पर पूरे भारत में 38 विश्वविद्यालयों में पूर्ण ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, मतलब उसमें एक सिंगल ऑफलाइन क्लास भी नहीं होगी, सब कुछ उसमें ऑनलाइन ही होगा, अटेंडेंस लेकर एग्जाम्स तक सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पर ये उच्च शिक्षा संस्थानों में अब UGC की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्ण रूप से यहाँ पर ऑनलाइन कार्यक्रम कर सकते हैं, अब इनको जो है किसी की अप्रूवल की अभी जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर फिक्स हो चुका है। इस तरह अब विद्यार्थी 171 कार्यक्रमों को ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। UGC की तरफ से जारी सूची के मुताबिक ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों को पेशकश करने के लिए विश्वविद्यालयों में 13 स्टेट और कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। तो हम बात करने वाले तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है एंड काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को भी ये अप्रूवल मिल गया है, लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है, ठीक है, मणिपाल यूनिवर्सिटी भी शामिल है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज कराने वाले। वे वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय में के साथ साथ यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन मोड से मास्टर डिग्री भी कराने के बारे में, ठीक है, उसका भी ऑफर करने वाले हैं, उसका भी ऑफर रखने वाले, अगर उसके लिए भी अप्रूवल मिलेगा। तो अभी तो सिर्फ UG के लिए है। जवाहरलाल अभी सम ऑफ द एग्जाम्पल दे रखे कि कैसे यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स होंगे, तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उसमें जो यहाँ पर कोर्स है लाइक मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड उसके साथ साथ यहाँ पर फोर डिफरेंट जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन मोड से कराने वाले, उसके साथ साथ जम्मू विश्वविद्यालय जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन मोड से मास्टर ऑफ मतलब कि आर्ट्स और मास्टर ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत करने वाले हैं। इस तरह से 171 कार्यक्रमों की मंजूरी दे चुकी है और इसमें इस सबसे ज़्यादा मंजूरी मिलने वाले इंस्टीट्यूट जो हैं वो तमिलनाडु में सिचुएटेड हैं, जिनकी संख्या है 11 इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु में, जहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, पूरी की पूरी डिग्री ऑनलाइन यहाँ पर हो जाएगी। तो UGC ने 2020 से 2021 के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस रही थी उनको देखते हुए यहाँ पर यही यहाँ पर बिग डिसीजन लिया इसके रिगार्डिंग, जो है पहले भी अप्रूवल नहीं आया था बट थोड़ी सी अपडेट आई थी जो कि मैंने तुम्हें पहले भी अपडेट किया था। तो ऑनलाइन प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए इच्छुक जो भी शिक्षक संस्थानों से आवेदन मांगे थे, इससे पहले UGC ने कोरोना के कारण बने हालात को देखते हुए विद्यार्थी को पढ़ाई में मदद के लिए पहले ही एक सामान्य 40% तक ऑनलाइन पढ़ाने की भी अनुमति दे दी थी। तो ये कंप्लीट हमने अपडेट जान लिया, बाकी इसमें फर्दर अभी अपडेट आनी बाकी है कि कितने यहाँ पर कोर्सेज रहेंगे, ठीक है, वो कोर्सेज कौन से हैं जो कि ऑनलाइन रहेंगे, टोटल वो यूनिवर्सिटी कौन सी हैं जो कि ऑनलाइन करने वाली हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा अपडेट और आना बाकी है, जब भी अपडेट आएगा मैं तुम्हें बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ।